तो हेलो, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो हम लोग आए हैं पेट्रोल भरवाने के लिए, इसके बाद निकलेंगे आगे के लिए। और पता नहीं हम लोग कहाँ जा रहे हैं, आपको आगे पता चलेगा हम लोग कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, बाकी आपको दिखाता हूँ अभी बैक कैमरे से। तो कुणाल, इसके बारे में क्या बोलना चाहते हो, हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं, हमें खुद नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं। हम तेल डलवाते हैं और आगे बताते हैं कहाँ जा रहे हैं, कुछ पता। अपनी आरक्ष खड़ी है दोस्तों, ये जावा खड़ी है, हम ये बेटा नहीं जा निकालते हैं। अरे भारे बनाते भारे, ये क्या खड़ी है कंडो में। ये देखिए 4 लाख की बाइक कंडो में ये रखे। अभी मजा आएगा ना भिड़ के, तभी थोड़ा फ्रेश होने के लिए। जो हमारे साथ में दो लोग थे वो चले गए घर पे। थोड़ा फैमिली मैटर था इसलिए वो चले गए घर पे। बाकी आप देखिए कितना अच्छा व्यू है यहाँ पर, ये देखो कितना अच्छा है। ये नैनीताल रोड है, नैनीताल जाते हैं यहाँ से। ये अपनी बाइक खड़ी है जावा 42 बॉबर। कैसा लगा मेरा मजाक? और आप इधर देखिए कितना कोहरा है इधर, बाकी तो व्यू तो अच्छा आ रहा है। नैनीताल यहाँ से बचाए 26 किलोमीटर। चलो मिलते हैं आगे। A few moments later. गाइस देख सकते हो कितना अच्छा व्यू है यहाँ पीछे। अभी हम यहाँ फोटो क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर आगे जाएंगे। क्यों रुके, सो शांत चला गया ना, इसलिए थोड़ा सोच रहे फोटो वोटो क्लिक कर लें इधर। और बाकी हमारा ये बैग लगा रहा है क्या वहाँ पर, और फोटो वोटो क्लिक करते हैं फिर आगे आपको और आगे दिखाएंगे कैसे से व्यू आएंगे यहाँ पर आगे। क्योंकि नैनीताल पहुँचेंगे, नैनीताल के बाद फिर जाएंगे आगे। आगे का थोड़ा सीक्रेट है, बाकी बाद में बताएंगे पहुँचने के बाद। ये ढाबा है यहाँ पर छोटा सा, एक यहाँ रुके हम लोग। और यहाँ से देखो आप व्यू कितना कर रहा आ रहा व्यू यार यहाँ से। वो मेरा घर है, वो उसका घर है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। तो कैसा लग रहा है आपको पहाड़ में आके, कुछ बताना चाहिए? तो देख सकते हैं कितना अच्छा लोकेशन है यहाँ पर। और हमने पराठे बनवाए यहाँ पर भी, दो चाय हो पहले, क्योंकि ठंड लग रही है, फिर ठंड लग रही है यहाँ पर अभी। हम लोग तो ऐसे आ गए टी साइड में, और हम यहाँ पर रुके थे, व्यू देखा था, यहाँ पर अच्छा व्यू आ रहा है इसलिए हम यहाँ पर रुके थे। अब दिखाता हूँ आपको, ये देखिए क्या व्यू आ रहा है यहाँ पर, एकदम बादल बादल है आगे। कैमरे में इतना अच्छा दिख नहीं रहा है पर बादल है यहाँ पर थोड़ा। ये देखिए कितना अच्छा प्लांट है, बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए।
बस थोड़ा सा दूर नैनीताल रह गया, उसके बाद फिर सीधे सीक्रेट लोकेशन, वहाँ सामने से पानी आता है। बताओ बताओ कुछ भी कहो यार, पहाड़ों में मजा बहुत है। कुछ भी कहो, पहाड़ों में मजा अलग ही है। फैमिली के साथ मत आओ यार, दोस्तों को लेके आओ पहाड़ों। गाइस देखो, हमने पराठा मंगाया है अपने लिए, एक चाय वाली पराठा, सुबह से कुछ खाया नहीं था। हाँ भाई, नहीं भाई पराठा पाया नहीं, खा ले रहा है पराठा। और क्या है, आलू का, आलू का पराठा। इसको भूख लग रही बड़ी तेज, पहली बार अंदर लिए, क्या लजीज जायका है, जायका है। आने की लगता है आपको चाय रुपयेर कैसे कहता है। ऊपर छोटा सा पुल बना है, ये देखो क्या व्यू है इधर। हमारे राइडर खड़े हैं, इतना थक गए, इतना ठंड लग रही है, बहुत ठंड लग रही है, वहाँ से आंसू निकल रहा है। अब मैंने बोला थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं इधर ही, फिर चलेंगे आगे बात में। बस 10 किलोमीटर दूर रह गया नैनीताल, उसके बाद आगे जाएंगे। थोड़ा इतना थक गए, इतना ठंड लग रही है, बहुत ठंड लग रही है, वहाँ से आंसू निकल रहा है। अब मैंने बोला थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं इधर ही, फिर चलेंगे आगे बात में। बस 10 किलोमीटर दूर रह गया नैनीताल, उसके बाद आगे जाएंगे थोड़ा। गाइस पहुंच चुके हैं हम नैनीताल, पहुंचे अपनी बाइक से। अपनी बाइक के साथ आए हैं पहली बार नैनीताल। कैसा लगा आपको नैनीताल? नैनीताल में तो खास कुछ नहीं है, बस ठंड ठंड है, इतनी ठंड है यहाँ पर, तो बहुत ठंड है यहाँ पर भाई साहब, इतनी ठंड है आंसू निकल रहे मेरे। तो गाइस आ चुके हैं हम कैची धाम, इतनी ठंड लग रही है, बहुत ठंड लग रही है। देख सकते हो ये कैची धाम है इधर पीछे, तो आप देख सकते हो ये कैची धाम वाला रोड है, ये भीतर साइड मंदिर है, कितना प्यारा मंदिर है। अली कुछ बोलना चाहते हो उसके बारे में? इतना ठंड लग रही है, इतनी ठंड लग रही है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है ऐसा। आओ तो अभी इस टाइम आओ, तो जैकेट डाल के आना, बिना जैकेट के मत आना, बहुत ठंड लग रही है, बहुत ज़्यादा। भीड़ कितनी है, मंदिर है मतलब गेट, और सामने मंदिर है, इधर से जाना होगा। देख सकते हो पीछे ना वीडियोग्राफी बना थी, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई आगे से। हमने दर्शन करके आगे देखो, ये बरसात है, सामने मंदिर है, ये खड़ा इधर दर्शन कर लिए। देख सकते हो कितनी ठंड है यहाँ पर, कोहरा ही कोहरा है।
पानी पीना तो पी सकते हैं आप फ्री है।